हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, करवा चौथ व्रत। जी हाँ, आप जैसे जानते हैं कि अगले महीने हमारा पड़ना है करवा चौथ अक्टूबर में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं कि करवा चौथ व्रत कैसे रखते हैं, करवा चौथ है क्या और इसकी सही तारीख क्या है, मुहूर्त क्या है पूजा करने का और सब जानकारियां। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं और आपको मुझे जितना नॉलेज है वो मैं बता सकूं। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दाहिने तरफ लिखा है रेड कलर का सब्सक्राइब, आपका सहयोग है तभी मेरा चैनल आगे बढ़ सकता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करवा चौथ क्या है? करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। करवा चौथ सुहागिनी औरतों का व्रत है। इसमें सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। ये व्रत भी निर्जल रहा जाता है। जी हाँ, आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि पति भी अपनी पत्नी के लिए ये करवा चौथ व्रत रखते हैं और प्रेमी प्रेमिका भी इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को तो अब फैशन की तरह हो गया है, जहाँ देखे सब इस व्रत को रखते हैं। ये बहुत ही फलदायक व्रत है। इस व्रत में गणेश भगवान, माता पार्वती और शंकर जी की पूजा की जाती है और इस व्रत में निर्जल व्रत कहा जाता है। सुबह से शाम तक, सुबह सूर्य उदय होने से पहले 4 बजे से लेकर के शाम के चंद्र दर्शन तक इस व्रत को रखा जाता है। जब चंद्र दर्शन शाम को हो जाता है तो इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो ये था करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ जैसा कि मैंने बताया कि सुहागिन औरतों का व्रत है। सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखते हैं। और करवा चौथ की धूम आपको बता दे, उत्तर भारत की तरफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, MP और UP में आपको अच्छी खासी झलक दिख जाती है। जी हाँ, इस क्षेत्र में ये करवा चौथ को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस व्रत की जो पूजा करते हैं हम लोग शाम को, उसमें क्या करना है, जो सुहागिन औरतें जो व्रत रखती हैं वो 16 सिंगार करेंगी। जी हाँ, इसमें पूरा 16 सिंगार किया जाता है, महावर लगाया जाता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है और जैसी एक दुल्हन तैयार होती है उतना भी नहीं, लेकिन आपको पूरा 16 सिंगार करना है। इसमें बहुत जरूरी होता है पूरा 16 सिंगार करके इस पूजा को आरंभ करना है। जी हाँ, इस पूजा को करनी है। तो इसमें आपको नई साड़ी पहननी रहती है। अगर नई साड़ी नहीं है तो आपकी शादी वाला जो जोड़ा होता है उसे यूज करना है, उसे भी आप पहन सकती हैं। अगर नई साड़ी पहन रही है तो जो चुनरी होती है जिसमें ओढ़ के शादी की जाती है, आपको उसे भी लेना है अपने साथ, क्योंकि ये सुहाग से संबंधित पूजा होता है तो इसमें सुहाग का सामान लगता है। तो फिर ये सब आपको करना है। तो आ जाते हैं हम लोग करवा चौथ व्रत विधि, हमने बता दिया, अब पूजा विधि बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जी हाँ फ्रेंड्स, एक पीढ़ा ले लेना है, पीढ़े पे लाल कलर का आसन बिछा देना है और उस पे सबसे पहले हमें इस तरीके से मार्केट में करवा माता की फोटो लेना है। जिनको दीवार पे बनाना आता है वो बना ले, जिनको नहीं आता वे इस तरीके की फोटो सामने रख दें। जी हाँ, पीढ़े पे जिसपे आपने आसन बिछाया, उसके बाद आपको एक गौर माता बनानी है और एक सुपारी जिसको गणेश का प्रतीक रखना है और 2 लोटे चाहिए करवा, जिसे करवा नाम से कहा जाता है, मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो 2 करवे टोटीदार रहते हैं, एक जो लोटा होता है उसमें चूरा चावल से बनी चीजें भरनी है, चूरा गट्टा ये सब हो गया मीठा, और 1 लोटे में पानी भरना है। ये मैं जो सिंगल अकेले लड़कियां रह रही हूँ करवा चौथ, उनके साथ जो कोई नहीं रहता है तो उनके लिए ये मैं पूजा विधि बता रही हूँ कि जब आप अकेले हो तो करवा चौथ का व्रत कैसे, मतलब पूजा कैसे करें। तो आप एक कल से मैंने बताया कि चावल से बनी चीजें भर लेनी है, जैसे चूड़ा हो गया, गट्टा हो गया, ये सब चीजें। दूसरे में जल भर लेना है, उसके ऊपर एक दिया रखना है, उसमें चावल भर लेना है, जो घर में बनता है चावल, जो कच्चे चावल होते वो भर लेने हैं, उसके ऊपर दियाली छोटी सी रख लेनी, घी भरना है, उसमें 4 बाती लगानी है और टोटी में 4 4 सिक्का लगा देना है, 4 सिक्का इस लोटे में, 4 सिक्का इस लोटे की टोटी में लगा देनी है। इसके बाद दोनों लोटा जो है उसे पीढ़े पे सामने की तरफ रख देना है, बीच में हमें गौर माता और गणेश भगवान जी का
रखना है। उसके बाद हमें 16 श्रृंगार का सामान ले लेना है, पूजा अगरबत्ती ले लेनी है, किताब ले लेना है, करवा चौथ व्रत कथा की जो किताब आती है वो ले लेंगे, और फूल माला ले लेंगे, प्रसाद ले लेंगे। इसमें आप सेब केला जो भी हो, अनार, मिठाई और चावल से बनी चीजें जैसे फरा हो गया, चावल के आटे का लड्डू हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। चावल से बनी चीजें करवा चौथ में चढ़ाई जाती है पूजा में। और अगर आप चाहते हैं भोग भी लगाना तो आप खाना भी, व्यंजन भी बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चढ़ाना चाहते हैं कि नहीं। तो फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंदूर वगैरह अर्पण करना है गौर माता को, गणेश भगवान को और गरबा माता को चढ़ाना है। उसके बाद माला अर्पण करना है, जी हाँ। और उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे, 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, जो आपकी मनोकामना है वो मांगे। उसके बाद आपको कथा स्टार्ट करनी, कथा खत्म करने के बाद आपको आरती करना है, जी हाँ फ्रेंड्स। इसमें आरती होती है गणेश भगवान जी की, शंकर भगवान की होती है, गरबा माता की होती है, आप आरती कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेन टॉपिक आ जाते हैं, ये सब पूजा आपको चंद्र उदय होने से पहले करना है। चंद्र उदय के बाद पूजा नहीं की जाती है। तो चंद्र उदय होने के पहले पहले आपको कर लेना है। जैसे चंद्र उदय 1 घंटे बाद होना है तो आप 1 घंटे के अंदर पूजा समाप्त कर लीजिए, ताकि चंद्र उदय जब हो तो आप चंद्र देव की पूजा करने के लिए रेडी हो जाए। तो इधर जब हम कथा और आरती कर लेंगे, उसके बाद फिर जो कलसा दोनों रखा है उसे हमें बदलना है आपस में। तो जो दहीने वाला है वो बाएं रखेंगे और बाएं वाला कलसा दहीने की तरह ऐसे बदल देंगे, करवा माता करवा लो ऐसे करके बदलना है। उसके बाद फिर आपको वहाँ सोचना है, थाली लगानी है, उसमें एक लोटे में जल रखना है, अक्षत रखना है, फूल रखना है, सिंदूर रखना है, धूप रखना है, और उसके बाद चलनी रखनी है, मेन चलनी रहता है। फिर चंद्र भगवान के दर्शन करिए, उनको अर्घ दीजिए, जल से लोटे का जो जल है उनको अर्पण कीजिए, फूल माला चढ़ाइए, फिर उसके बाद अक्षत वगैरह। उसके बाद फिर पति को भी तिलक करिए, बगल में पति को सामने खड़ा करना है, और पति को तिलक करने के बाद चलनी लीजिए, चंद्र भगवान को देखिए उस चलनी से, फिर उसी चलनी से आपको अपने पति को भी देखना है, और फिर पांव छूना है, फिर पति आपको जल पिला करके, पानी पिला के आप व्रत को खोलेंगे। इस तरीके से पूर्ण होगा आपका करवा चौथ पूजा। तो ये थी करवा चौथ की पूजा, आपको कैसे करनी है विधि था, और आपको मैंने जैसे बताया था ये निर्जल व्रत है, इसमें शाम को व्रत तोड़ा जाता है चंद्र दर्शन के बाद, तो ये चीज ध्यान देना है। और दूसरा टॉपिक क्या था, चंद्र उदय होने से पहले पूजा कर लेनी है आपको शाम को। तो अब आ जाते हैं हम लोग करवा चौथ पूजा मुहूर्त पर। तो करवा चौथ की जो पूजा मुहूर्त है वो हमारा स्टार्ट होगा 5:46 शाम के, 5:46 पर स्टार्ट होगा, और शाम के 7:02 पे हमारा मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। फिर चंद्र उदय होने का समय, जी हाँ, जब चंद्र उदय होने का समय हमारा है 8:20 पे हमारा चंद्र उदय होगा, तब आपको चंद्र देव की पूजा करनी है। और अब आ जाते हैं तारीख, तो करवा चौथ 17 अक्टूबर 2019 में मनाया जा रहा है, पूरे भारत वर्ष में 17 अक्टूबर को ही करवा चौथ मनाई जाएगी। अब आ जाते हैं चतुर्थी आरम्भ होना, तो 17 अक्टूबर को 6:48 पे चतुर्थी आरंभ हो जाएगा, और अगले दिन 18 अक्टूबर को 7:28 तक चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, करवा चौथ क्या है, क्यों रखा जाता है, ये भी मैंने आपको बताया, और करवा चौथ पूजा विधि क्या है ये मैंने बताया, मुहूर्त बताया, तारीख बताया। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, या कुछ भी जानकारी आपको मेरे वीडियो से मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और लोगों में, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो फिर चलिए, आप सबको हैप्पी करवा चौथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ें लेकर के। तो बाय बाय एवरीवन।